दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में एक और ब्लॉकबस्टर मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया। दोस्तों इस मुकाबले में पाकिस्तान की जीत के बाद अब सेमीफाइनल का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। जहां पाकिस्तान की इस जीत से भारतीय टीम को बड़ा फायदा हुआ तो वहीं बांग्लादेश समेत चार टीमें वर्ल्ड कप से पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको वर्ल्ड कप 2023 के पूरे पॉइंट टेबल के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान यानी के 10वें नंबर की बात करें तो 10वें नंबर पर इंग्लैंड टीम का नाम आता है। दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अब तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से इंग्लैंड की टीम को एक मुकाबले में जीत मिली है जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में इंग्लैंड की टीम के 2 अंक हो चुके हैं जबकि नेट रन रेट -1.652 है। दोस्तों इंग्लैंड की टीम अब वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है जबकि दोस्तों नंबर 9 पर बांग्लादेश टीम का नाम आता है। दोस्तों बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश की टीम ने अब तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से बांग्लादेश की टीम को 1 मुकाबले में जीत मिली है जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ बांग्लादेश टीम के 2 पॉइंट है जबकि नेट रन रेट -1.446 है। दोस्तों बता दें कि बांग्लादेश की टीम 6 मुकाबले हार कर वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है जबकि दोस्तों नंबर 8 पर नीदरलैंड टीम का नाम आता है। दोस्तों नीदरलैंड की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अब तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से नीदरलैंड की टीम ने 2 मुकाबला जीता है जबकि 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ पॉइंट टेबल में नीदरलैंड के 4 अंक हो चुके हैं जबकि नेट रन रेट -1.277 है। दोस्तों नीदरलैंड की टीम भी अब वर्ल्ड कप से लगभग बाहर हो चुकी है जबकि दोस्तों नंबर 7 पर श्रीलंका की टीम का नाम आता है। दोस्तों बता दें कि श्रीलंका की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अब तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से श्रीलंका की टीम को 2 मुकाबलों में जीत मिली जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों श्रीलंका के 4 पॉइंट है जबकि नेट रन रेट -0.275 है। दोस्तों श्रीलंका की टीम भी अब वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो चुकी है। वहीं दोस्तों नंबर 6 पर अफगानिस्तान की टीम है। दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने अब तक वर्ल्ड कप 2023 में कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से अफगानिस्तान की टीम को 3 मुकाबलों में जीत मिली जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ अफगानिस्तान के 6 पॉइंट हो चुके हैं जबकि नेट रन रेट -0.718 है। दोस्तों बता दें कि अफगानिस्तान की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब अपने बाकी बचे सभी मुकाबले जीतने होंगे और अपने नेट रन रेट को भी सुधारना होगा, तभी अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी। वहीं दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद अब पाकिस्तान की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 5 पर पहुंच चुकी है। दोस्तों बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम ने अब तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से पाकिस्तान की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं जबकि 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के 6 पॉइंट है जबकि नेट रन रेट -0.24 है। दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान टीम का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान की टीम अगर अपने बाकी बचे सभी मुकाबले जीत लेती है और अपने नेट रन रेट को भी सुधार लेती है तो फिर नेट रन रेट के आधार पर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। हालांकि पाकिस्तान की टीम को अब दूसरी टीमों पर भी निर्भर रहना होगा। जबकि दोस्तों आज के पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का नाम आता है। दोस्तों बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अब तक वर्ल्ड कप 2023 में कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 4 मुकाबलों में जीत मिली जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के 8 पॉइंट है और नेट रन रेट 0.970 है। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 2 मुकाबला और जीतना होगा। जबकि दोस्तों नंबर 3 पर न्यूजीलैंड की टीम है। दोस्तों बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम ने अब तक वर्ल्ड कप 2023 में कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड की टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड की टीम को 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ पॉइंट टेबल में न्यूजीलैंड के 8 अंक हो चुके हैं जबकि नेट रन रेट 1.232 है। न्यूजीलैंड की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बाकी बचे 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबले और जीतने होंगे। जबकि दोस्तों नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका की टीम है। दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अब तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 5 मुकाबलों में जीत मिली है जबकि 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों साउथ अफ्रीका के 10 पॉइंट है जबकि नेट रन रेट 2.032 है। दोस्तों साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब 1 मुकाबला और जीतना होगा। जबकि दोस्तों नंबर 1 पर भारतीय टीम है। दोस्तों बता दें कि भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अब तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं और सभी मुकाबलों में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है और इसी के साथ भारतीय टीम के 12 अंक हो चुके हैं। जबकि नेट रन रेट की बात करें तो भारतीय टीम का नेट रन रेट 1.405 है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 1 मुकाबला और जीतना होगा। तो दोस्तों आपके हिसाब से वो कौन सी 4 टीमें होंगी जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और क्या भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी या नहीं, अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।